बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और बॉलीवुड के स्पेशल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल अबाउट बॉलीवुड को और दबाइए उसके पास भले घंटे को वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छे काम का अंजाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल अबाउट बॉलीवुड में, जहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बॉलीवुड न्यूज़ का एक और नया एपिसोड और आपको देने वाला हूँ बॉलीवुड के आज के टॉप और ट्रेंडिंग न्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है भारती सिंह को लेके। भारती सिंह को आप जानते ही होंगे, उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ और बहुत सारे टीवी शोज़ में एज अ कॉमेडियन बहुत सारे रोल्स जो है वो प्ले किया है। उनकी शादी जो है वो फिक्स हो चुकी है और वो अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है आशुतोष गोवारिकर को लेके। आशुतोष गोवारिकर एक बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर है, उन्होंने जो है पीरियोडिक ड्रामास और हिस्ट्री के फिल्म्स बनाई है, जैसे मोहनजोदड़ो, लगान, ऐसे बहुत सारे फिल्म जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है। हाल ही में एक और हिस्ट्री के ऊपर एक फिल्म जो है वो बनाने वाले हैं, जो होगी 16th to 18th century के एक वॉर के ऊपर। और इस फिल्म में जो है संजय दत्त को एक कैरेक्टर, एक रोल जो है वो दे दिया गया है। संजय दत्त इस फिल्म में काम करने वाले हैं और उन्होंने अर्जुन कपूर को भी अप्रोच किया है इस फिल्म के लिए। देखते हैं अर्जुन कपूर इस फिल्म के लिए एग्री होते हैं कि नहीं, और देखते हैं ये फिल्म कब तक हमारे सामने सिनेमा हॉल्स में आती है। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है रणवीर सिंह को लेकर। रणवीर सिंह अपने अगले प्रोजेक्ट का काम जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है गली बॉय। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोया अख्तर ने। इस फिल्म में आलिया भट्ट भी है और इस फिल्म में रणवीर कपूर एक रैपर का रोल जो है वो निभाने वाले हैं। हाल ही में न्यूज़ ये आ रहा है कि उन्होंने जो है डबिंग इस फिल्म के लिए वो कंप्लीट कर ली है। देखते हैं ये फिल्म कब तक आती है हमारे सामने। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर, जहाँ पे काम कर रहे हैं आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और एक नई एक्ट्रेस जिनका नाम है फ़तिमा। फ़तिमा जो है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम लुक अलाइक है कैटरीना कैफ की, और इसी वजह से सोशल मीडिया में जो है उनको लेके बहुत मजाक और ट्रॉल्स जो है वो हो रहा है। देख लीजिए उन दोनों का पिक्चर, ऑलमोस्ट सेम टू सेम दोनों को देखने में लगता है। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है अक्षय कुमार को लेके। अक्षय कुमार जो है बहुत ही पंक्चुअल और डिसिप्लिन को जो है मेंटेन करते हैं। हाल ही में एक किस्सा ऐसा हुआ कि वो शूटिंग करने के लिए गए थे एक टीवी शो के लिए और उनका तबीयत जो था वो खराब हो गया था, और उसके बाद डॉक्टर को जो है बुलाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी अक्षय कुमार ने उसका शूट जो था वो पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद वो घर गए। इससे ये पता चलता है कि अक्षय कुमार जो है अपने काम के लिए बहुत सीरियस है, बहुत जो है पंक्चुअल है, और इसी वजह से शायद वो इतने बड़े स्टार हैं। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है बाहुबली के विलेन राणा रघुपति को लेके। हाल ही में वो जो है एक फिल्म में काम करने वाले हैं जिसका नाम है हाथी मेरे साथी, और इस फिल्म का शूटिंग जो है वो जनवरी 2018 से स्टार्ट होगी और ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली है दिवाली में, 2018 की दिवाली में। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है फिल्म केसरी को लेके, जिसको प्रोड्यूस करने वाले हैं करण जौहर और इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले हैं अक्षय कुमार। इस फिल्म के जितने भी और वॉर सीन्स जो है उसको लॉरेंस वुडवर्ड जो है वो डायरेक्ट करने वाले हैं। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी का जो है वॉर सीन्स थे उनको डायरेक्ट किया था, तो ये फिल्म जो होगी ये फिल्म बहुत खास होगी। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है शाहरुख खान की फिल्म डर्फ को लेके। आज सोशल मीडिया में उन्होंने इस फिल्म के जो सेट है उसका कुछ पिक्चर्स जो है वो शेयर किया है। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है फिल्म अक्टूबर को लेके, जो लॉन्च होने वाली है 2018 के अप्रैल में। इस फिल्म में काम किया है वरुण धवन ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुजीत सिरकार ने। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है गोलमाल अगेन को लेके। गोलमाल अगेन ने जो है 200 करोड़ का बेंचमार्क वो क्रॉस कर लिया है, और ये फिल्म जो है ये कॉमेडी जीनर में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। इससे पहले भी जितने भी सारे फिल्म्स आए हैं उन्होंने ये बेंचमार्क जो है वो छुआ भी नहीं है। हालांकि ये रिकॉर्ड जो है वो ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है, क्योंकि जल्द ही बहुत सारे कॉमिक फिल्म जो है वो लॉन्च होने वाली है, जैसे कि हाउसफुल 4, टोटल धमाल और नो एंट्री में एंट्री। ये जो फिल्म्स है देखते हैं ये फिल्म्स इस बेंचमार्क को क्रॉस कर पाती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज के सारे न्यूज़ और अपडेट्स, और यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ऑल अबाउट बॉलीवुड को, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे आपके लिए लेके आता हूँ बॉलीवुड के टॉप और ट्रेंडिंग न्यूज़, और सैटरडे संडे होता है बॉलीवुड का स्पेशल वीडियो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले घंटे को भी दबाइए, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए।
और अगर कुछ फीडबैक्स या सजेशंस हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अमित आपसे मिलूंगा ऑल अबाउट बॉलीवुड के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।